नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनीता जी की लाडू बिटिया में। मैं हूँ शिवांगी। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं फिर से आऊंगी डालीगंज के मेले में, जो गुड़की कार्तिक का मेला, गंगा स्नान का मेला अलग अलग नामों से जानते हैं, हनुमान सेतु के सामने झूलेलाल पार्क में लगा हुआ था। फिलहाल मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में ये बताया था कि संडे तक लास्ट है, और आज संडे है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं, तो पूछ पाछ के यहाँ का मैं अपडेट दूंगी। ये मंडे ट्यूसडे तक लगा भी रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, कि आप लोगों का आना वेस्ट हो जाएगा, क्या होगा, पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी आपको आगे मैं पूरा आपको अपडेट देती रहूंगी वीडियो के अपने दौरान। तो चलिए, अभी मैंने ना थोड़ा वीडियो स्टार्ट कर दिया था, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब पूरी पलटन को लेके आ गए हम लोग विद झोला। अभी मेरी पलटन आगे पीछे गायब हो गई है, तो अभी इन लोगों से पूछते हैं ये लोग कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि आप लोगों का आना वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं आज आई हूँ यहाँ पे वीडियो। आज है संडे, और संडे को भी यहाँ पे लगी हुई है बहुत सारी भीड़। ये सब देखिए, ये देखिए यहाँ पे पब्लिक भीड़ है। मेरी पलटन कहाँ है? अभी अभी आपको ना अपनी पलटनों से भी मिलवाएंगे। ये देखो, मेला खत्म हो गया, तभी भीड़ बहुत ज्यादा है। अब इसमें क्या मिल रहा है हमें भी नहीं पता है, बट हम भी झोला लेके आ गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पावदान आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे 100 रुपए के 100 के 3 पावदान है। कल लगाएंगे, कल रहेंगी, आज आखिरी है। ये देखिए, देखिए सब देखिए, हमें लग रहा है यहाँ पे इवेंट लग रहा है, कि यहाँ से पता नहीं कुछ हटवट रहा है, नहीं पता। ये सब देखिए, आज है। ये देखिए सब, हर कलर हर डिजाइन में निकालो, 120 रुपए निकालो भैया। भीड़ देख सकते हैं, ये पूरी ना सारी दुकानें हट रही हैं, तो अब कोई भी दुकानें नहीं रहने देंगे। ये लोग कह रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हटाइए आज ना, ये मतलब कल आएंगे तो आप लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आज ही लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कल की तो बात ही छोड़ दीजिए। सब देखिए, अपना पैकिंग वैकिंग करने में जुटे हैं यहाँ ना, ग्राउंड बिल्कुल, कल ना आप लोगों को चक्का चक मिलेगा, तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कल आने की, क्योंकि आज ही जो आप आएंगे बस वही शॉपिंग कर पाएंगे। ये देखो भाई, दादी भाभी मामी सबको ले लेके आए थे झोला भरने के लिए। हमें लगता नहीं है झोला भरेगा, हमें लग रहा है झोला खाली जाएगा आज। अच्छा, वो हम परसों आके सामान ले गए हैं। ये देखिए, बट भीड़ तो इतनी ज्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखो, सब अपनी दुकान बढ़ा रहे हैं, तो कल मत आना कोई भी, मेला खत्म। बहुत दिन का मेला था, मेला खत्म। ये देखो, मेला सब खत्म। अब यहाँ पे सफाई होगी कल। ये देखो, भीड़ है भैया, ये देखो भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है। ये देखो सब भीड़, बस भीड़ के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। मिलेंगे तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 5 रुपए सब गायब हो गए, पता नहीं कहाँ लोग चले गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे
भी कुछ ना कुछ सस्ता ही मिल रहा होगा। अभी यहाँ पे भीड़ है, ये 5-5 रुपए के कप हैं, ये देखिए। अब भीड़ देख सकते हैं आप लोग, लेडीज की कितनी ज्यादा लगी हुई है। लोग कह रहे हैं हम सामान नहीं खरीद पा रहे, आपको वीडियो बढ़ाने की पड़ी है। ये देखिए, ये सब है यहाँ पे। यहाँ पे भीड़ तो बहुत जोरों दोरों से लगी हुई है। आप लोगों को छोटा मोटा सामान मिल रहा है, बट अभी लोग लेने की ले रहे हैं, ढूंढ डांड रहे हैं, क्योंकि अपने डेली यूज में ये सब चीजें काम आती रहती हैं। और आप लोग कल मत आइएगा, कल ये मेला नहीं लगा रहेगा। आज सारी की सारी दुकानें गायब हो जाएंगी, कल आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 रुपए के कप मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी ज्यादा लगी हुई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये सब लोग यहाँ पे कप ले रहे थे, 5-5, 10-10 रुपए के कप मिल रहे हैं। फिलहाल जहाँ तक हमें पता है, कल यहाँ पे कोई भी दुकानें नहीं रहेंगी। तो अगर आप लोग कोई भी बहुत दूर दूर से आते हैं इस मेले को, तो आप लोग मत आइएगा। अगर आप लोग नियर बाई हैं, निषादगंज में चौक IT नखास साइड रहते हो, तो एक बार आप कल आके ट्राई कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से कल यहाँ पे कोई भी दुकानें नहीं रहेंगी, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ से ये सब दुकानें हटवा रहे हैं। और ये सब लोग लास्ट में जा रहे हैं, इनका सामान बिक भी रहा है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने यहाँ ऊपर खड़े होकर पूरा कैप्चर किया, मेरा माइक वाइक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पे बोल देती हूँ थोड़ा बहुत, तो अगले साल आप लोगों से ना फिर से मिलेंगे। ये मेला बहुत अच्छा है, इसको हम लोग अगले साल तक ना मिस करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सामान सस्ता और अच्छा मिलता है, तभी यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे सब लोग देखो बड़े खुश थे, आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग ये मेले में आ पाए कि नहीं आ पाए, कमेंट्स करके बताइएगा। कौन कौन इस मेले से शॉपिंग करके जा चुका है, और कौन नहीं जा पाया है, जो ना वो इंतजार कर रही है अब नेक्स्ट साल का, तब आप लोग यहाँ आके शॉपिंग करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम लास्ट में यही कटोरी ढूंढने आए थे कन्याओं को देने के लिए। फाइनली हमारी ना ये पूरी मंडली ने ना कटोरी ढूंढ ली है, और सारी पूरी मंडली ना गायब हो गई थी। तो अब ना फ्रेंड्स ना आज बिल्कुल लास्ट ये समापन है, कल से मत आइएगा आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। बस हो सकता है अगर तकत वकत बिक रहे होंगे तो मिल जाएंगे, वरना वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी आज बिक चुके हैं ऑलमोस्ट। चलो सब लोग हेलो बोलो, चलो हेलो बोलो ब्लॉग में सब लोग। मेरे बाबू, मेरी सोना इतना गुस्सा हो गई, हेलो भी नहीं बोलेगी, इतना घूर के देख रही है। तो अभी हम लोगों ने कर ली शॉपिंग, हम जा रहे हैं घर। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे ऐसे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।